हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। अब आप में से बहुत सारे लोग प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारी एक विद्यार्थी लर्निंग ऐप है जिस पर हम लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन से रिलेटेड पूरा एक कोर्स बना चुके हैं। आप उस कोर्स को चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से हमारी विद्यार्थी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ जाकर आप इस कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो देखिए, लैब असिस्टेंट में ही आपका केमिस्ट्री का एक टॉपिक है बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स, ठीक है, ठोसों में बैंड सिद्धांत, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो बैंड थ्योरी है किससे रिलेटेड है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो कुछ आपके इंसुलेटर्स होते हैं, कुछ जो हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। इसको हम पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे और फिर हम बैंड थ्योरी पर जाएंगे। तो देखिए, सॉलिड्स या ठोस जो होते हैं वो बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटीज़, कंडक्टिविटी क्या होती है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई विद्युत जो है प्रवाह कैसे होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह जितना आसानी से होगा वही क्या होती है उसकी कंडक्टिविटी, जिसे आप क्या कहते हैं हिंदी में, चालकता। तो ठोस जो होते हैं अपनी चालकता के आधार पर तीन भागों में हम क्या कैटेगराइज कर सकते हैं, तीन वर्गों में हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है आपका कंडक्टर्स, ठीक है, जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं जिसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो हो सकती है। चालक कहेंगे इन्हीं में, इनकी कंडक्टिविटी का अगर मैं रेंज देखूँ तो कितना है, 10^4 से लेकर 10^7 पर ओम पर मीटर, ठीक है, कंडक्टिविटी की आपकी यूनिट होगी। फिर दूसरे होते हैं आपके इंसुलेटर्स यानी विद्युत रोधी, और इसमें जो आपकी रेंज आएगी वो कितनी आएगी, 10^-20 से लेकर 10^-10 ओम पर ओम पर मीटर, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जिसके थ्रू जो है विद्युत प्रवाह बिल्कुल नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। तीसरे आते हैं आपके सेमीकंडक्टर, जिन्हें हम कहते हैं अर्धचालक। अगर हम इनकी रेंज देखें कंडक्टिविटी कितनी आएगी, 10^-6 से लेकर 10^4 पर ओम पर मीटर। अर्धचालक क्या हुए, जिसमें से कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, ठीक है, अभी हम सेमीकंडक्टर्स के विषय में भी देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किसकी वजह से हो रही है, या तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे या आयन्स फ्लो होंगे। बेसिकली हम कह सकते हैं चार्जेस जब फ्लो होते हैं, आवेश जब प्रवाहित होते हैं, तब विद्युत जो है वो प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स या आयन्स की वजह से होगी। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से किस में होती है, मेटल्स में होती है, यानी जो आपके धातु होते हैं, जैसे कि हमारे जो आपकी इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है किसकी बनी हुई होती है, कॉपर वगैरह की बनी हुई होती है, वो एक मेटल है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं, इसीलिए हम उन्हें कंडक्टिंग होती है, इसीलिए हम उन्हें वायर्स में इस्तेमाल करते हैं। आयन्स क्या होती है आपकी, किस में होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स आपके क्या हुए, NaCl, MgCl2, ये MgCl2 बेसिकली ये अपने, अगर आप इनके एक्वस सॉल्यूशंस बनाएंगे, इनके जलीय विलयन बनाएंगे, तो उस पर ये अपने आयन्स में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कि NaCl आपका किस में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस, केटाइंस और एनाइंस यहाँ पर बन जाते हैं, और ये जब फ्लो करेंगे तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो आयन्स हमें किस में मिलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं मेटल्स में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, मेटल्स जो हैं अपने सॉलिड फॉर्म में यानी कि ठोस अवस्था में और अपने मॉल्टन स्टेट में यानी गलित अवस्था, दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जबकि आयन्स की अगर हम बात करें यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम बात करें, तो ये सिर्फ अपनी गलित अवस्था में, या फिर कह सकते हैं आप एक्वस सॉल्यूशन में ही, सिर्फ क्योंकि आयन्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसी अवस्था में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ये अपनी ठोस अवस्था में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि वहाँ आयन्स फ्री नहीं होती हैं मूव करने के लिए। अब हम देखते हैं कि ये कंडक्टिविटी शो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हम कैटेगराइज करें कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स में। तो ये आती है यहाँ से हमारी बैंड थ्योरी। अब देखिए, बैंड थ्योरी जो है इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो आपके धातुओं में चालकता होती है, यहाँ के अगर हम मेटल्स की बात करें, जो इनमें चालकता होती है वो परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करती है, ठीक है, यानी जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, जो उसकी संयोजी कक्षक होता है, लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट आपका एनर्जी शेल है आपका, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है। अब देखिए, हमें पता है जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या फॉर्म कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, परमाणु कक्षक अणु कक्षक बना लेते हैं, यानी ओवरलैपिंग हो जाती है। और जब भी हम देखते हैं ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पर हमारे किस तरह के बॉन्ड्स बनते, किस तरह के ऑर्बिटल्स बनते, एक होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एक होते हैं आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, उस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर ये समझना है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए, ठीक है, वो इतने पास आ जाते हैं कि वहाँ पर उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है इतनी करीब आ जाती है कि वो एक बैंड को फॉर्म कर लेती है, ठीक है, वहाँ पर एक बैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी ऊर्जाएँ इतनी पास होती हैं कि वो एक साथ ऐसे कंबाइन कर रही होती है और एक बैंड फॉर्म कर लेती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक हुआ आपका
ये बैंड, ठीक है, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कहलाता है आपका वैलेंस बैंड, ठीक है, संयोजक बैंड। दूसरा होता है इसके ऊपर आपका खाली बैंड, ठीक है, इसमें क्या है, अनऑक्यूपाइड है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये रिक्त है, ये होता है आपका कंडक्शन बैंड, ठीक है, चालक बैंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है वैलेंस बैंड, यहाँ है चालक बैंड। जब ऊर्जा इसे इतनी मिले इन इलेक्ट्रॉन्स को कि ये इलेक्ट्रॉन जम करके इस कंडक्शन बैंड में जा सके, तभी ये क्या करता है, विद्युत का अच्छा चालक कहलाता है। तो मेटल्स के केस में जब हम देखेंगे तो मेटल्स यानी कि कंडक्टर, जो हमारा देखिए ये बैंड है, यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आधा फील्ड है, यहाँ पर पार्शली इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं और कुछ इसका पार्ट खाली है। अब यहाँ पे ये है हमारा वैलेंस बैंड, ये है हमारा कंडक्शन बैंड। जब इन दोनों की ओवरलैपिंग हो गई, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है, क्योंकि ये हिस्सा और ये जो एम्प्टी हिस्सा है इसमें हो गई ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग कहाँ दिखाई दे रही है, ये जो डार्क वाला साइड है, हमें ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है। तो ये जो ओवरलैपिंग या फिर अतिव्यापन जो हमें दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से आपके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, और इसीलिए क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि आपके अच्छे चालक हैं। जब हम इंसुलेटर्स की बात करेंगे तो इंसुलेटर्स के केस में जो वैलेंस बैंड है, ठीक है, जो संयोजक बैंड है और जो कंडक्शन बैंड यानी कि चालक बैंड है, उसके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इतना ज़्यादा ऊर्जा अंतराल है, एनर्जी गैप ज़्यादा है, इसको हम क्या कहेंगे, फॉरबिडन जोन, ठीक है, फॉरबिडन जोन है, ये वर्जित क्षेत्र है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ नहीं जा सकता, और इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपके कंडक्शन बैंड में नहीं मूव कर सकता है, उसके लिए फ्री नहीं है वो, यहाँ पर ये इस एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, क्या कहलाएंगे, इंसुलेटर। अब हम सेमी कंडक्टर्स की बात करें तो सेमी कंडक्टर्स के केस में ये जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, इसके बीच का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप है लेकिन एनर्जी गैप थोड़ा कम है कंपैरेटिव टू इंसुलेटर्स, यहाँ पे एनर्जी गैप कम होता है। अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें, ठीक है, अगर हम इसको हीट दें तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर आपके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। इसीलिए सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, जब हम उसे हीट करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है कि वो इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके इस कंडक्शन बैंड में जा सके। तो यहाँ से आपका सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर की बैंड थ्योरी के इसमें जो बैंड थ्योरी है हम उसको समझ सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।